everybody, welcome back to my YouTube channel and welcome to another review video. आज की review video में मैं बात करने वाली हूँ ये Sebamed के anti dandruff shampoo के बारे में. ये बहुत अच्छा shampoo है या नहीं है वो आपको वीडियो के एंड में जब तक आप देखेंगे इसके रिव्यू पार्ट को आपको समझ में आ जाएगा. मैं चैप्टर्स बना दूंगी इसके ताकि अगर आपको प्राइस और पैकेजिंग से डायरेक्टली रिव्यू पे स्किप करना है तो आप वो कर सकते हैं इफ यू वांट टू. मैं इसको पिछले 3 हफ्ते से यूज कर रही हूँ तो आई हैव माई वर्डिक्ट टू गिव ऑन टू दिस. तो अगर आपको जानना है कि मेरे इसके ऊपर क्या थॉट्स है प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. बट बिफोर दैट इफ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, हाई माई नेम इज राधिका. आई मेक ब्यूटी रिलेटेड कॉन्टेंट एंड समटाइम्स व्लॉग्स ऑन माई यूट्यूब चैनल. तो अगर आप ऐसा कॉन्टेंट कंज्यूम करना इंजॉय करते हैं देन प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो और उसके साइड में जो बेल आइकन है ना उसको दबाना मत भूलना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालू तो आपको इस चीज का नोटिफिकेशन मिले. एंड विथ दैट लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द वीडियो. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि मेरा जो स्कैल्प है वो ऑयली एंड डैंड्रफ प्रोन है और मेरा स्कैल्प ओवर द इयर्स डैंड्रफ प्रोन नहीं हुआ है या ओवर द इयर्स मेरे स्कैल्प पे डैंड्रफ नहीं आया. मुझे बचपन से ये प्रॉब्लम रही है तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो स्कैल्प है वो हमेशा से डैंड्रफ वाला ही रहा है. तो अगर आपका भी स्कैल्प ऐसा है तो जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स मेरे ऊपर काम किए वो आपके ऊपर काम करें एंड वाइस वर्सा. इसलिए मैं आपको एक बहुत स्ट्रांग रिकमेंडेशन दूंगी कि कोई भी हेयर केयर प्रोडक्ट ट्राई करने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आप उसका अच्छे से पैच टेस्ट करें और देखें और परखें कि वो प्रोडक्ट कहीं आपके ऊपर कोई रिएक्शन तो नहीं कर रहा है. और अगर कर रहा है तो प्लीज उसको उसी टाइम पे यूज करना बंद कर दे वरना आपके हेयर एंड स्कैल्प को और डैमेज कर देंगे. जो ऑलरेडी है ना डैमेज उससे ज्यादा डैमेज हो जाएगा. तो इस वजह से मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगी कि प्लीज डू अ पैच टेस्ट, सी इफ द प्रोडक्ट इज शोइंग एनी रिएक्शन ऑन योर स्कैल्प और नॉट. एंड इफ इट्स नॉट शोइंग यू कैन कंटिन्यू यूजिंग. अगर कोई रिएक्शन हो रहा है आपके स्कैल्प के ऊपर प्लीज उस प्रोडक्ट को उसी टाइम पे यूज करना बंद कर दे. अब इस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो पहले मैं इसके प्राइसिंग के बारे में बात करूंगी. ये पहले 100 ml में भी आता था पर अभी जब मैं इस वीडियो के लिए पर्टिकुलरली इस प्रोडक्ट का रिसर्च कर रही थी तो मैंने देखा कि 100 ml के पैकेजिंग का तो नामो निशान मिट चुका है तो इसलिए मैं उसका प्राइस आपको नहीं बता सकती. पर ये है 200 ml की पैकेजिंग जो आपको पड़ता है ऑलमोस्ट 600 rupees जो मेरे हिसाब से थोड़ा ओकेश प्राइस है. मतलब बहुत ज्यादा हाई नहीं है और बहुत ज्यादा लो भी नहीं है, ओकेश प्राइस है. बट यू कैन कीप एन आई ऑन ऑल द प्लेसेस दैट इट्स अवेलेबल. जितने भी मार्केट प्लेसेस पे ये अवेलेबल है ये अमेजोन पे मिल जाएगा आपको, ये फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, मिंत्रा पे मिल जाएगा, नायका पे मिल जाएगा. आप सब जगह इसको यू नो यू कैन कीप एन आई ऑन व्हेन इट इज ऑन एन ऑफर एंड इट फॉल्स ऑन टू अ प्राइस जो आपकी पॉकेट को फिट हो और जब ये उस प्राइस तक पहुंच जाए. अगर इस रिव्यू को देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है कि हाँ शायद हम इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं देन गो अहेड एंड परचेज इट. नेक्स्ट हम बात करेंगे पैकेजिंग के बारे में. तो इसका जो आउटर पैकेजिंग है वो कुछ इस तरीके से दिखता है. आपको इसके ऊपर हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. इसके ऊपर आपको पूरी इंग्रीडियंट्स लिस्ट मिल जाएगी, बेस्ट बिफोर, इसका जो भी MRP है, इसको कैसे यूज करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पैकेजिंग पे मिल जाएगी. फिर आता है प्रोडक्ट पैकेजिंग जो इस तरीके से दिखता है. ये प्लास्टिक मिनिमल पैकेजिंग है, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है इसके ऊपर, एकदम मिनिमल पैकेजिंग है इसकी. और ये एक स्क्वीजी ट्यूब में आता है तो इसको निकालना और यूज करना भी बहुत इजी हो जाता है. इसके ऊपर आपको बेस्ट बिफोर मिलेगा पर इसके ऊपर पूरी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट नहीं मिलेगी आपको. पर वो ठीक है, वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो सारी चीजें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी अगर आपको कभी रेफरेंस के लिए चाहिए तो. इसका बैच नंबर और बेस्ट बिफोर ये आपको इसके बेस के ऊपर मिलेगा. तो ऑल इन ऑल इसकी जो प्रोडक्ट पैकेजिंग है वो काफी स्टर्डी है, काफी अच्छी है, काफी मिनिमल दिखती है, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है इसके ऊपर, विच इज अ गुड थिंग. और क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी नहीं है पैकेजिंग वाइज तो इसलिए ये बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग भी है. नेक्स्ट आते हैं हाउ टू यूज द शैम्पू. तो किसी भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू को बेसिकली यूज करने के लिए, सिर्फ ये वाला नहीं, किसी भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू को अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है जिसको आप उसी तरीके से आपको यूज करना चाहिए, जो मुझे बहुत लेट पता पड़ा बट बेटर लेट देन नेवर. तो आप अगर किसी भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू को या किसी भी ऐसे ट्रीटमेंट वाले शैम्पू को अपने स्कैल्प पे अगर यूज कर रहे हैं तो उसको डाइल्यूट करके ना लगा के डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे लगाएं और फिर उसके बाद उसको अच्छे से मसाज करें और उसको ऑलमोस्ट
3 to 5 मिनट्स के लिए अपने स्कैल्प पे छोड़ दें। छोड़ने के बाद आप उसको फिर रिंस ऑफ करें, उसके बाद फिर आपको अगर कंडीशनर वगैरह लगाना है तो वो जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है वो करें, बट आपको उसको अपने स्कैल्प पे 3 to 5 मिनट्स छोड़ना पड़ेगा। आई नो आइडियली ऐसा कहते हैं कि शैम्पू उसको ज्यादा देर तक अपने स्कैल्प पे नहीं छोड़ना चाहिए, बट अगर आप कोई ट्रीटमेंट बेस्ड शैम्पू लगा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एंटी डैंड्रफ शैम्पू हो गया या कोई एंटी हेयर लॉस शैम्पू हो गया या कोई भी इस तरीके का शैम्पू अगर आप यूज कर रहे हैं आपके स्कैल्प पे, तो उसको काम करने के लिए 3 से 5 मिनट लगेंगे आपके स्कैल्प के ऊपर, इसलिए आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। लगा के आप उसको 3 से 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद यू कैन वॉश इट ऑफ लाइक यू नॉर्मली वॉश ऑफ योर शैम्पू एंड देन फॉलो इट अप विद अ नाइस कंडीशनर। अब मैं आपको इसका डिटेल्स रिव्यू दूंगी। तो सीबामेड एज अ ब्रांड काफी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता है और मुझे ये चीज बोलने के लिए पैसे नहीं मिले हैं, मैं जेन्युइनली ये चीज बोल रही हूँ। और अगर आप इस शैम्पू को यूज करेंगे तो एक्चुअली आपको भी पता पड़ेगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो एक्चुअली सही है, क्योंकि सीबामेड का ये पर्टिकुलर शैम्पू, मुझे बाकी का तो नहीं पता, पर ये पर्टिकुलर शैम्पू एक्चुअल में काम करता है। पहले बात करें इसकी फ्रेग्रेंस की, तो इसमें बहुत ही माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी आपको कि ये बिल्कुल ही फ्रेग्रेंस फ्री शैम्पू है, क्योंकि ऐसा नहीं है। इसमें बहुत ही एक माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है और वो इतनी माइल्ड है कि वो आपको बिल्कुल भी हेडेक नहीं देगी। इट्स अ वेरी वेरी माइल्ड फ्रेग्रेंस। इट इज समथिंग दैट्स गोइंग टू बी वेरी सूदिंग व्हेन यू अप्लाई इट ऑन योर स्कैल्प। बहुत हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी हार्श नहीं है, बिल्कुल इस तरीके की नहीं है जो आपको हेडेक दे। इस शैम्पू में एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से ये एक्चुअली एक हिट शैम्पू है और वो है पिरोक्टोन ओलामाइन, जो कि एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टीज के साथ। इसकी प्रॉपर्टीज कीटाकोनाजोल से सिमिलर है, विच इज अ फाइटिंग डैंड्रफ एंड फंगल इन्फेक्शंस ऑफ द स्कैल्प। तो पिरोक्टोन ओलामाइन भी वही काम करता है जैसा कि कीटाकोनाजोल करता है, बट माइंड यू ज्यादा क्वांटिटी में पिरोक्टोन ओलामाइन कैन बी हार्मफुल फॉर योर हेयर एंड स्कैल्प, बट जिस पोजीशन पे ये इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में है ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होगा। इनफैक्ट इट इज अ काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट जो आपके हेयर एंड स्कैल्प को बेनिफिट करेगा और आपको एंटी डैंड्रफ एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज देगा। इस शैम्पू में एक कंसर्निंग इंग्रेडिएंट है विच इज नॉट कंसर्निंग टू एवरीबॉडी, इट्स नॉट सपोजिडली अ कंसर्निंग इंग्रेडिएंट फॉर एवरीबॉडी, बट कुड बी फॉर पीपल हु हैव सुपर सेंसिटिव स्कैल्प, एंड दैट इज सोडियम लॉरिएट सल्फेट विच इज ऑल्सो नोन एज SLS। तो SLS बेसिकली एक ऐसा इंग्रीडियंट है जो आपके स्कैल्प को यू नो एडवर्स रिएक्शन दे सकता है, बट अगर वो सूट करता है तो आपके स्कैल्प के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। SLS इज बेसिकली द काइंड ऑफ इंग्रीडियंट जो आपके स्कैल्प पे से डर्ट और एक्सेस ऑयल को रिमूव करने में भी हेल्प करता है, अच्छे से शैम्पू को लैदर करने में भी हेल्प करता है। और ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हर ब्रांड बोलता है कि हम हमारे प्रोडक्ट्स में यूज नहीं करते, या हर शैम्पू या हेयर केयर ब्रांड बोलता है कि हम हमारे प्रोडक्ट्स में नहीं डालते, बट सीबामेड ने डिस्पाइट यूजिंग दिस इंग्रेडिएंट इस पर्टिकुलर शैम्पू को एक अच्छा pH बैलेंस्ड शैम्पू बनाया है और अच्छे से 5.5 पे इसके pH को बैलेंस किया है, विच इज अ कमेंडेबल थिंग, क्योंकि सल्फेट यूज करने के बावजूद आप अगर उसके pH को, उस प्रोडक्ट के pH को बेसिकली अगर आप इतने अच्छे से रेगुलेट कर पा रहे, इतने अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं, विच मीन्स दैट यू आर डूइंग योर जॉब राइट। और क्योंकि इसमें SLS है, इस वजह से मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि मैंने जो शुरू में डिस्क्लेमर बोला था ना, उसको प्लीज आप नेग्लेक्ट मत करना, उस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, और इसको फुल फ्लेजेडली यूज करने से पहले एक बार पैच टेस्ट करके देखना कि कहीं आपको इसके कोई एडवर्स रिएक्शंस तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपके स्कैल्प पे डैंड्रफ है तो आपका स्कैल्प सेंसिटिव भी हो। डैंड्रफ के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो किसी एक रीजन की वजह से हो, देयर कैन बी अ लॉट ऑफ रीजंस, ईस्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई स्किन डिजीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इधर यू टॉक टू योर डर्मेट, जिससे भी आप कंसल्ट कर रहे हैं आप उससे बात करें और उससे पूछें कि हम इस चीज को यूज करें या नहीं करें, और अगर आप किसी के कंसल्टेशन में नहीं है तो आप इस शैम्पू को अच्छे से पहले पैच टेस्ट करें,
और देखें कि कहीं इसका कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा है आपकी स्कैल्प के ऊपर, और फिर आप इसको यूज करना चालू कर सकते हैं। बिकॉज ट्रस्ट मी, इफ द शैम्पू एक्चुअली सूट्स योर स्कैल्प, इट इज गोइंग टू डू एन अमेजिंग जॉब। और सच में मैं सिर्फ यूं ही बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैंने इस शैम्पू को 3 हफ्ते ट्राई किया है। अच्छा खासा टाइम होता है 3 हफ्ते, और 3 हफ्ते मतलब मैं वीक में 2 बार सर धोती हूँ, तो अकॉर्डिंग टू दैट 3 हफ्ते मतलब आई हैव यूज्ड इट फॉर 6 टाइम्स ऑन माय स्कैल्प। एंड ट्रस्ट मी, एक यूज के बाद ही मैंने इसका इफेक्ट देखना चालू कर दिया था अपने स्कैल्प के ऊपर, क्योंकि मुझे ना डैंड्रफ की वजह से बहुत ज्यादा इचिंग होती है, एंड ऑब्वियसली सिंस समर्स आर इन फुल ब्लोन मूड एट द मोमेंट, तो स्वेटिंग वगैरह की वजह से मुझे और ज्यादा इचिंग की प्रॉब्लम रहती है अपने स्कैल्प पे, विच इज वाई इस पर्टिकुलर शैम्पू ने उस इचिंग को एक ही वॉश में टेम डाउन करने में बहुत ज्यादा मदद करी है मेरी, विच इज एन अमेजिंग एंड कमेंडेबल थिंग। और शायद अब मैं इस शैम्पू से किसी और शैम्पू पे स्विच नहीं करूंगी, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा इम्प्रेस हूं ना इस शैम्पू से कि मैं हर किसी को रेकमेंड कर रही हूं कि अगर आपको डैंड्रफ है, अगर आपको ऑयली स्कैल्प है, तो आप इसको जरूर यूज करें। हाउ टू यूज मैं पहले बता चुकी हूं, तो इफ यू यूज इट एक्चुअली इन द वे दैट आई हैव टोल्ड यू टू यूज इट, आपको मैक्सिमम इफेक्ट दिखेगा इसका, क्योंकि उस तरीके से यूज करने पे ये अच्छे से आपको इफेक्ट देगा आपके स्कैल्प के ऊपर। एंड अगर आपका ऑयली एंड डैंड्रफ प्रोन स्कैल्प है, तो ये चीज बेसिकली आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। एक चीज मैं शैम्पू के लिए जरूर बोलना चाहूंगी कि इसको यूज करने के बाद आपके हेयर थोड़े से ड्राई हो सकते हैं, बट इट इज नॉट समथिंग दैट अ कंडीशनर कैन नॉट फिक्स, विच इज वाई आई वुड हाईली रेकमेंड कि जब भी आप इस शैम्पू को यूज कर रहे हैं, आई वुड रेकमेंड कि रेगुलरली यूज करें, जितने भी बार आप हेयर वॉश कर रहे हैं आप इसको यूज करें, और जब भी आप इसको यूज करें ऑलवेज फॉलो इट अप विद अ नाइस मॉइस्चराइजिंग कंडीशनर, सो दैट आपके जो बाल है वो ड्राई आउट ना हो, आपके स्कैल्प को भी बेनिफिट मिले, और आपके बाल जो है वो बिल्कुल अच्छे से फ्लरिश हो। ऑल इन ऑल मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है डैंड्रफ से, और आपका जो स्कैल्प टाइप है वो ऑयली एंड डैंड्रफ प्रोन है, और आपको बहुत टाइम से एक अच्छे एंटी डैंड्रफ शैम्पू की तलाश है, ट्रस्ट मी योर सर्च एंड्स राइट हियर, क्योंकि ये शैम्पू इतना अच्छा है कि अगर इसने आपके स्कैल्प को अच्छे से सूट किया, दिस शैम्पू विल डू डेफिनेटली वंडर्स। एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया, इससे कोई बेनिफिट मिला आपको, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, कमेंट ऑन बिलो एंड लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप और किस तरीके की वीडियोस देखना चाहेंगे। आई वुड लव टू मेक इट फॉर यू गाइज। ऑल्सो इस पर्टिकुलर शैम्पू के जितने भी मार्केट प्लेसेस के जितने भी लिंक्स होंगे सब बटोर के मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी ईज के लिए डाल दूंगी, ताकि आपको कहीं से भी इसको परचेज करना हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे। डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक्स टू ऑल माई सोशल मीडिया हैंडल्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आपको अगर मेरी लाइफ से अपडेटेड रहना इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलना। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय।